हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द हरा सके। दोस्तों, आज का वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आ रहा हूँ मैं आज। आज मैं आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं होगा लेकिन ये आपको लाइफ में जरूर काम आएगा और एज ए प्रोफेशनल ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है। हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने फ्यूचर के लिए अपनी प्रेजेंट सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहता है और फ्यूचर में उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहता है। तो इस वीडियो का मकसद बच्चों के एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना, और मेरे वो साथी जो एम्प्लॉयज़ हैं अपनी हार्ड मनी को सेव कर रहे हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढ रहे हैं जहां वो इन्वेस्ट कर सकें, एफडी या बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ कुछ और भी वो चाहते हैं कि ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे लोग इससे डरते हैं। जब भी बात आ जाती है कि इसमें मार्केट रिस्क है, तो वो मार्केट रिस्क को दे सुनते ही हम सीधा एफडी की तरफ भाग जाते हैं। तो ये इस का कारण सिर्फ यही है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम इसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन जान लें और इसकी नॉलेज ले लें तो इससे हम बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो बच्चों के साथ साथ ये वीडियो आप भी, मैं अपने एम्प्लॉय साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जरूर देखें ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और बच्चों के लिए ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहेगी, वो भी इसको अपने एज ए प्रोफेशनल जब वो डेवलप होंगे तो म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकेंगे, खुद निवेश कर सकेंगे और अपने थ्रू और अपने क्लाइंट्स को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज कर सकेंगे। तो एज ए इस वीडियो को एज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए लेना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, उसके टाइप्स क्या है तो उसको जानते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है, इस सभी के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। म्यूचुअल फंड पहले काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड ये है, इन्वेस्टर्स जो हम हैं, हम अपना पैसा एक फंड हाउस को देते हैं, पूल ऑफ देयर मनी। ये इन्वेस्टर अपनी मनी फंड हाउस को देते हैं, फंड हाउस इसको इन्वेस्ट करता है इक्विटी या डेट फंड में। वहां से उसको इनकम जनरेट होती है और वो इनकम फिर इन्वेस्टर को चली जाती है। तो यहाँ ये एक सर्कल चलता है। ये जो फंड मैनेजर है, ये हमारे लिए ऐसा काम क्यों कर रहा है या फंड हाउस हमारे लिए काम क्यों करता है? उसका एक फंड मैनेजर होता है, तो वो फंड मैनेजर तो सैलरी लेता है फंड हाउस से, फंड हाउस हमसे कमीशन लेता है। तो जितना हम निवेश करेंगे उसका 1 या 2% वो कमीशन के रूप में लेगा। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। फंड इसकी टाइप्स क्या है? टाइप्स है फंड स्कीम, पहले स्कीम्स के आधार पे इसकी कैटेगराइज करते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल फंड। ओपन एंडेड में होता है कि आप जितना समय चाहें निवेश कर सकते हैं और जब चाहें इसमें से निवेश बंद करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होता, इसमें फिक्स टाइम रहता है, आप 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए होता है, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं, पहले निकलने पर एग्जिट लोड लगेगा। और इंटरवल फंड में ये होता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जब बीच बीच में फंड हाउस आपको आपके जो यूनिट्स है, आपके पास यूनिट्स है उसको वापिस बाय बैक करेगा, आपसे बाय बैक करेगा जो आपको सेल किए हैं और आपकी मनी आपको लौटा देगा। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड। एक्टिव फंड में फंड हाउस का जो मैनेजर है वो उसका जो इनसाइटेडनेस है, उसका जो व्यू है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उस पे आपके फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। वो देखता है कि किन शेयर्स में उसको निवेश करना है, कब इसमें एंट्री लेनी है किस शेयर में और कब उससे एग्जिट लेना है, कितना कैपिटल
किस फंड में इन्वेस्ट करना है, किस में डेट में कितना करना है, इक्विटी में कितना करना है, ये सारा उसके जो उसकी इंटेलिजेंस पे, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा या उसकी टीम के एक्सपीरियंस पे, लेकिन गाइड वही करता है। पैसिव फंड में कुछ ऐसा नहीं होता, वो इसमें सिंपल एक इंडेक्स को पकड़ा जाता है, उस इंडेक्स में जो जो शेयर है उनमें से उन शेयर्स में उतना उतना इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिस शेयर की जितनी वैल्यू उस इंडेक्स में उतनी वैल्यू आपके फंड में रहती है। जैसे Nifty 50 इंडेक्स है, उसमें 50 जो शेयर्स है वो रजिस्टर्ड है। अब उन 50 शेयर्स में ही आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप Nifty 50 इंडेक्स खरीदते हैं। तो ये एक पैसिव फंड है, इसमें कोई इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको 50 शेयर में उनके प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। अगर वो शेयर उन 50 से निकल जाता है, कोई दूसरा आता है, जो निकला उससे पैसा निकालना और दूसरे में निवेश करना है। तो इस तरीके से ये पैसिव है। तो एक्टिव में आपकी कमीशन थोड़ी ज्यादा लगती है और पैसिव में कम लगती है। एक्टिव में आपको रिटर्न मिलने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं और पैसिव में कम रहते हैं, क्योंकि एक्टिव में इंटेलिजेंसी या उसके जो टीम वर्क है उसका इफेक्ट अगर अच्छा रहेगा तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर वो फेलियर रहा अपनी पॉलिसी में तो कम भी मिल सकता है। इसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा है, और जो सेफ चलना चाहते हैं कि नहीं ठीक है 10-12% के हिसाब से हमें मिलता रहे, सफिशेंट है, तो वो फिर पैसिव फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इंडेक्स की मैंने अभी एग्जांपल दी। एसेट इन्वेस्टेड, इक्विटी इन्वेस्टेड, शेयर्स में, ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड। उसमें अगर कंपनी का शेयर अप जाएगा तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, कम जाएगा तो आपको भी लॉस होगा। दूसरा है डेट फंड, ये कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी को ही लोन देते हैं कि आप अपना बिजनेस चलाइए, हमारा पैसा ले लीजिए, हम आपके पार्टनर नहीं बन रहे, आपके शेयर नहीं ले रहे। तो यहाँ क्या होगा, आपको एज ए इंटरेस्ट की तरह वो कंपनी पैसा देगी। तो वो उस शेयर्स को, जो डेट फंड है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो ही आप में शेयर किया जाएगा। तो डेट फंड से थोड़ी इनकम कम जनरेट होती है और इक्विटी से ज्यादा होती है, लेकिन इक्विटी में रिस्क भी ज्यादा है, डेट में कम है। ऐसा नहीं है कि डेट में रिस्क नहीं है, डेट में भी रिस्क है। डेट में ये रिस्क है कि अगर वो कंपनी जिसको आपने लोन दिया वही भाग जाए या फेल हो जाए तब भी आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन ऐसी चांसेस कम रहते हैं। अगर कंपनी बिल्कुल बाई चांस फेल ही हो जाए तभी लॉस है, लेकिन म्यूचुअल फंड ऐसे आपके पैसे को एक ही कंपनी को उधार नहीं देते, वो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं। एक आध कंपनी से जाने से भी आपको ज्यादा लॉस नहीं होता, फिर भी इसमें इनकम कम है डेट फंड में और इक्विटी इन्वेस्टर में ज्यादा है। हाइब्रिड फंड, इसमें दोनों तरह का एक्सपोजर लिया जाता है, इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया जाता है और डेट में भी। लिक्विडिटी फंड होते हैं जो 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, 12 महीने से कम के लिए जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है उनको हम लिक्विडिटी फंड कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ फंड्स लेना, वैल्यू फंड्स या इनकम फंड्स। ग्रोथ फंड वो है जो जिन म्यूचुअल फंड को ये लगता है कि आने वाले समय में ये फंड्स बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे, ये जो कंपनीज है ये बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे। अभी जैसे लगता है कि AI इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री अगर तेजी से बढ़ेगी तो उनको लगता है कि वो ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लग रहा है कि आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से ग्रोथ फंड आने वाले ग्रोथ को एक्सपेक्ट करके ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वैल्यू फंड्स वैल्यू कंपनीज में लगाते हैं, जैसे उनको लगता है कि ये कंपनी फेयर है, अच्छी है कंपनी और हमें फेयर प्राइस पे मिल रही है, तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वैल्यू देख के, प्राइस देख के इन्वेस्ट करते हैं। ये जो वैल्यू फंड्स या वैल्यू इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला वॉरेन बफेट का दिया हुआ है, जिसने बहुत अर्न किया है इसमें, लेकिन इसमें अलग अलग फंड हाउस का अलग अलग विजन है। ग्रोथ फंड में ग्रोथ को देखे इन्वेस्ट किया जाता है, वैल्यू में फंड में वैल्यू को देखे, और इनकम फंड में ऐसा होता है कि जिससे आपको डिविडेंड मिले, रेगुलर इनकम मिले, जैसे जैसे क्वार्टरली कुछ कंपनियां हाफ ईयरली ईयरली आपको डिविडेंड पे करती हैं, वो आपको जितना प्रॉफिट होता है। ग्रोथ फंड में तो होता है कि जितना पैसा प्रॉफिट आया उसको फिर री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ आपको
डिविडेंड दिया जाता है। यहाँ पे जो फंड्स हैं वो आपका पैसा दोबारा से ना करके आपको डिविडेंड देते रहते हैं, बीच में पे आउट करते रहते हैं। उसका मकसद क्या होता है, कई बार हम रिटायरमेंट के बाद जब हमारा इनकम सोर्स नहीं रहता तो हमें कहाँ से इनकम आएगी, तो हम फिर इनकम फंड्स को चूज कर लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉफिट आता है वो हमें ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मिलता रहता है। स्पेशल फंड्स, तो इस तरह के जैसे इंडेक्स फंड मैंने बताया, एक्सचेंज ट्रेडर फंड, टैक्स सेविंग, जो टैक्स सेविंग के लिए भी कुछ फंड्स हैं जिसमें आप 1.5 लाख तक की सेविंग शो कर सकते हो इनमें निवेश करके, और ATC के अंदर उसका बेनिफिट ले सकते हो, और लेकिन उस पर जो टैक्स है वो भी माफ रहता है। इंटरनेशनल फंड, इंटरनेशनल कंपनीज में, या आप अपने बच्चों के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड चूज करना चाहते हो, तो ऐसे भी फंड्स हैं जो 15 इयर्स, 20 इयर्स के लिए भी प्लान करते हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की, कोई सी फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके एरिया में है, CA है, या किसी भी तरह के जो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहते हैं, उनकी हेल्प से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपको इन्वेस्टमेंट भी करवा देंगे और अच्छा म्यूचुअल फंड भी बता सकते हैं। ब्रोकर्स, आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, वो आपका ब्रोकर हो जाता है, उसके थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। बैंक जाते हो, बैंक्स में भी आपको बहुत सारे फंड, म्यूचुअल फंड ऑफर किए जाते हैं, वो मोस्टली अपने ही बैंक के होते हैं, जैसे SBI वाले, SBI का ही एक फंड हाउस भी है, तो SBI में जब आप जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर भी आपको ऑफर करते हैं कि भाई ये म्यूचुअल फंड आया है, इसमें ले लीजिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ आप खरीद सकते हो, लेकिन अवेयर रहें कहीं और ऑनलाइन फ्रॉड के कहीं शिकार ना हो जाए, इसलिए सेफ तरीके से ही लें और अच्छे फंड ही खरीदें। उसके बारे में कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए और क्या क्या उसमें देखना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप ऑनलाइन इसके लिए कैम्स की एक CAMS कैम्स ऐप है, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट की ऐप है, या UTI की है इस तरह, या म्यूचुअल फंड की अपनी ही जो वेबसाइट है वहां जाके भी, जैसे एक्सिस है, निपोन है, प्राग पारिक है, मराई एसेट्स है, बहुत सारे फंड हाउस हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके भी आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट है और आपके लिए फिर फ्लेक्सिबल रहता है, आप जितना समय, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, जितना चाहो कर सकते हो, और डाइवर्सिफाइड भी रहता है। कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री, आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इसको कर सकते हो। मिनिमम पेपर वर्क, सिप अश्योर्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें आप मंथली सिप लगा के बहुत बढ़िया बेनिफिट ले सकते हो। इससे एक तो एवरेज बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कभी आपकी प्राइस ज़्यादा है, कभी कम है, जब मंथली लेंगे तो वो एवरेज हो जाती है। दूसरा, उसकी कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये एक है कि इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जैसे 7th वर्ल्ड है, इसको फाइनेंशियल की फील्ड में 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करेंगे, तो 15-20 साल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ जाती है। मैनेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं, हम FD करवाते हैं तो वहाँ इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाते। उसमें का कारण क्या है कि जैसे अभी FD है 5% और उस पर जो बेनिफिट मिलता है उस पर भी टैक्स लग जाता है, जैसे आप इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगेगा। आपने FD लिया, 3 साल बाद आपको उस पर इंटरेस्ट लिया, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा आपके, अगर आप 30% स्लैब में हैं तो आप उसमें टैक्स कट जाएगा, तो वो आपको वो 5% भी 3.5% ही रह जाएगा। और इन्फ्लेशन की रेट क्या रहती है हमारे कंट्री में, 5 से 6%, मतलब हर साल आपको 3.5% बेनिफिट मिल रहा है और 6% आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो 2.5% हर साल आपका लॉस हो रहा है मनी, आप सेविंग अगर FD में करवा रहे हैं आज के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये मैनेज इन्फ्लेशन को भी कर जाती है, क्योंकि जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट इन्फ्लेशन के साथ साथ मार्केट भी बढ़ रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रही है। टैक्सेशन बेनिफिट्स, टैक्स कई ऐसे भी फंड्स हैं जिससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, ATC के अंडर आप उनको सेविंग में शो कर सकते। सेफ एंड ट्रांसपेरेंट, सेफ है सब कुछ, आप अपने मोबाइल पे ऑनलाइन चेक कर सकते। रिस्क,
मार्केट रिस्क, अगर मार्केट क्रैश हो जाए तो आपके म्यूचुअल फंड भी क्रैश हो सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है। जैसे कुछ डिजास्टर आ जाए या कोई अभी अफगानिस्तान जैसी कोई स्थिति हो जाए तो ये बड़ी अबनॉर्मल है, नॉर्मली नहीं होती, या कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कोरोना आया था, तब भी मार्केट 40,000 से गिर के 25,000 चला गया था, बहुत सारा लोगों को लॉस लगा। लेकिन जिन्होंने बंद कर दिया, जिन्होंने पेशेंस रखा, अपना शिप कंटिन्यू रखा, उनको मौका मिल गया और सस्ते में खरीदने का, उनको तो ऐसा लगा जैसे सेल लग गई। सेल में आप जैसे एक शर्ट की बजाय चार शर्ट खरीद लेते हैं, वैसे ही उन्होंने एक की बजाय चार शेयर, अच्छे शेयर खरीदे। अभी वही मार्केट जो मार्च 2020 में 25,000 पे चला गया था, अभी वो 55,000 पे है, तो आपको उतना ही बेनिफिट वापस मिल गया। तो अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो इस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। जैसे ही नॉर्मल स्थिति आएगी, आपकी मार्केट फिर वैसे पहुंच जाएगी और उससे भी आगे जा सकते। कंसंट्रेशन रिस्क, अगर आप एक तरह का म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो, एक ही तरह के म्यूचुअल फंड में सारा पैसा लगाते जाते हो, या म्यूचुअल फंड आगे एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन रिस्क हो सकता है, उस सेक्टर के, उस इंडस्ट्री के बैठ जाने से आपका पूरा मनी बैठ सकता है। इसलिए आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्ट को डाइवर्सिफाई करके रखिए। इंटरेस्ट रिस्क, ये बॉन्ड के साथ होता है कि अगर इंटरेस्ट रिस्क बढ़ गया तो आपके बॉन्ड्स की कीमत कम हो जाएगी, आपको बॉन्ड्स में लॉस हो जाएगा, और इंटरेस्ट कम हो जाए तो बॉन्ड्स की कीमत बढ़ भी सकती है, तो ये भी मैनेजेबल है। क्रेडिट रिस्क, जिसको आपके म्यूचुअल फंड ने जिसको क्रेडिट किया है, अगर वो कंपनी ही फेल हो जाए तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ भी रिस्क मैनेजेबल है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो बड़ी रिसर्च के बाद, कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं, तो इस रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है। तो ओवरऑल यही है कि हमारे जो रिस्क हैं वो बड़े मैनेजेबल हैं, जिनको मैनेज किया जा सकता है, और जिनको हम बेनिफिट्स के साथ कंपेयर करें तो वो रिस्क बहुत कम है, लेकिन रिस्क है। ये मान लेना चाहिए आपको कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फैक्टर है, इसमें इसको देख के, अपने रिस्क फैक्टर को देख के ही इन्वेस्ट करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी जो फाइनेंस के बारे में जानता उससे ही डिस्कस करने के बाद इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, म्यूचुअल फंड कैसे चूज करते समय क्या क्या आपको देखना चाहिए, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन सिलेक्ट करते समय अपना रिस्क कवर जरूर देखें। स्टे सेफ, स्टे होम, सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।